चलिए इस वीडियो में हम चार स्विच, 1 2 3 4 स्विच और यहाँ पर सिंपल एक सॉकेट के कनेक्शंस वायरिंग सीखेंगे, बहुत सिंपल बहुत ही आसान तरीके से। घर पर आपने अक्सर देखा होगा जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें किसी में 3 स्विच होते हैं, किसी में 4 स्विच होता है, तो आप वहाँ पर अपने घर के स्विच बोर्ड के वायरिंग को इसकी वीडियो को देखकर कर सकते हो, बहुत सिंपल बहुत ही आसान होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड, जो भी स्विच बोर्ड होते हैं जिस भी कंपनी ने बनाए होते हैं उसके कुछ लोगोस लिखे होते हैं ऊपर में, देखें तो ये जो स्विच ऐसे काम करता है, इस तरीके से ऑफ होते हैं, नीचे के साइड दबाने से ऑन होता है। अब मैं इसके पीछे के साइड दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इसमें कुछ छोटे छोटे स्क्रूज लगे होते हैं, सबको ढीला करना है। ढीला करने के बाद कि कनेक्शंस काफ़ी सिंपल बहुत ही आसान होते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा तार का यूज़ करके ये वाला पॉइंट स्विच के और ये वाले सॉकेट के पॉइंट को आपस में ज्वाइंट करता हूँ। ये देखिए स्विच के मैंने उस वाले पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब इसके एक वायर को यहाँ पर सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसकी ये वाला सॉकेट और इस स्विच से आपस में ज्वाइंट मैंने कर दिया है। अब सिंपल मैंने एक तार को लंबा छील कर उसके तांबे को अलग कर दिया है, ताकि मैं यहाँ पे जितने भी स्विचेस हैं सबको एक साथ जो है ज्वाइंट कर सकूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सारे स्क्रू को ढीला कर लेता हूँ। और सिंपल एक लंबी तार के टुकड़े को छीलकर मैं सारे जो स्विचेस हैं उसकी एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पे सभी स्विचेस के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये देखिए अब हमें स्विच बोर्ड में जो पावर आता है उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल 2 पिन वाले वायर को फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर 3 पिन वाले वायर हों उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर 2 पिन है, 2 ही वायर हैं इसमें। अगर आपके जो केबल है उसमें 3 वायर है, जो ग्रीन कलर के होते हैं अर्थिंग वाला वो सेंटर पर लगता है, तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल 2 ही वायर है। मैं इसकी कनेक्शंस आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसकी किसी भी एक वायर को उठाकर मैं जो सारे स्विच आपस में ज्वाइंट किया है उसी के साथ लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक वायर को जो सारे स्विच यहाँ पे मैंने आपस में ज्वाइंट किया उसी के साथ लगा दिया है। अब इसकी बचे हुए दूसरी वायर है फ्रेंड, इसमें न्यूट्रल आएंगे, इसमें मैंने करंट की सप्लाई के लिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो ये जो न्यूट्रल जिस पर आएगा उस तार को हमें यहाँ पर जो सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पर देना है, सॉकेट के लास्ट वाले हिस्से पे। ये देखिए तो ये हमारा पावर केबल है, जो घर में इस स्विच बोर्ड को चलाने के लिए पावर केबल आता है, उसमें न्यूट्रल वाला पॉइंट सॉकेट के लास्ट वाले पे डाल देंगे और जो पावर वाला पॉइंट है जो सभी स्विच आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं उसके साथ लगा दिए हैं। अब मैं इसकी जो स्विचेस कैसे काम करेगा उसके बारे में बताता हूँ फ्रेंड। ये जो ऊपर वाले पार्ट है यहाँ पर सभी में पॉइंट आएंगे और जितने भी पार्ट जुड़ेंगे वो यहाँ पर न्यूट्रल वाले पॉइंट पर जुड़ेंगे है। तो फॉर एग्जांपल्स मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने 2 बिजली के प्रोडक्ट लिए हैं। अब इसकी जो एक वायर है फ्रेंड कलर पर नहीं जाएंगे, तो कोई भी एक तार आप उठाकर ये वाला स्विच या फिर ये वाला स्विच या ये वाले स्विच, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, जिस स्विच पर भी देना चाहते हैं उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इस लाइट वाले होल्डर के वायर को मैंने इस स्विच पर लगा दिया, ठीक है देख पा रहे हैं। ये जो बल्ब वाले होल्डर के एक वायर मैंने इस स्विच पे लगा दिया, इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उसके एक वायर मैं उठाता हूँ उसके इसके दूसरे वाले स्विच के पॉइंट पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरे पास तीसरा भी होता तो उसी के एक वायर यहाँ पर लगाता और जो सभी के वायर बसे हैं उसको देखिए आपस में इस तरीके से उठा लेने हैं जितने भी वायर वापस बसते हैं।
ये देखिए, आपस में इसको अच्छे से ज्वाइंट करने के बाद ये जो सारे जो पॉइंट बचे हैं वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो वो सिर्फ लगेगा यहाँ पर, जिसे मैंने पावर केबल में सॉकेट के लिए न्यूट्रल दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हमें इसको जोड़ लेना है और जितने भी वायर बचते हैं सभी वायर को हमें सॉकेट पर एक साथ लगा देनी है। तो अभी आप इनकी कनेक्शंस को पहचान सकते हो, समझ सकते हो, काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। फिर से बात कर लेते हैं, हमने एक प्रोडक्ट लिया है जिसकी एक वायर मैंने स्विच के पॉइंट पर दिया है, इसी की दूसरी वायर मैंने सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट यानी कि केबल के यहाँ पर जो न्यूट्रल गया वहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। दूसरे वाला जो पॉइंट देख लीजिए, इसकी एक वायर मैंने फिर से स्विच पर दिया, इसी के बचे हुए वायर को न्यूट्रल पॉइंट दिया। इसी तरीके से आप तीसरे भी लगाओगे तो उसकी एक बार यहाँ देंगे और एक बार यहाँ न्यूट्रल वाले पॉइंट में देंगे। इसी तरीके से आप अपने ही घर पर अपने बिजली, यहाँ पर हम इसको एक बार चेक करके दिखा देते हैं। इससे पहले हम सारे स्विच ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद ये जो प्लग है उसको बिजली की बोर्ड में पावर दे देते हैं। तो ये मेरे पास एक टेंशन बोर्ड है जिससे मैंने यहाँ पर इसको पावर दे दिया है, मेरे ये वाले स्विच को। मैं पहला स्विच ऑन करता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर लाइट जलता है, देख पा रहे हो। उसी तरीके से दूसरी स्विच ऑन करता हूँ तो मेरे ये वाला पार्ट चलता है। इसी तरीके से आपके पास तीसरा हो तो तीसरा ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो स्विच है ये है आपके सॉकेट के लिए, आप देख सकते हो। इस तरीके से काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर के चार स्विच एक सॉकेट वाले वायरिंग कनेक्शंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो, नई जानकारी लेकर।